नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G वर्सेस वन प्लस नॉट 4 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 फ्यूजन में 6.38 इंच जबकि नॉट 4 में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50 फ्यूजन में 2.88 इंच जबकि नॉट 4 में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 फ्यूजन में 175 ग्राम जबकि नॉट 4 में 199.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 50 फ्यूजन से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 फ्यूजन में PoLED जबकि नॉट 4 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 50 फ्यूजन में 20:9 जबकि नॉट 4 में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 फ्यूजन में 6.67 इंचेस जबकि नॉट 4 में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 फ्यूजन में 1080x2400px FHD+ और नॉट 4 में 1240x2772px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 फ्यूजन में 90.7% जबकि नॉट 4 में 89.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 फ्यूजन में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नॉट 4 में 451 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 50 फ्यूजन में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और नॉट 4 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 50 फ्यूजन में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नॉट 4 की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 फ्यूजन में Adreno 710 जबकि नॉट 4 में Adreno 732 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 फ्यूजन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और नॉट 4 में Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 50 फ्यूजन में 5000 mAh जबकि नॉट 4 में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 50 फ्यूजन में 3 कलर्स जबकि नॉट 4 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 फ्यूजन में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस
12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 27,900 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें नोट 4 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 32,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वन प्लस नॉट 4 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नॉट 4 आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नॉट 4 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G0 4G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।